साथियों, यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन। हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपका दोस्त प्रकाश कच्छा फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो जैसा कि साथियों, आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली है मनासा तहसील से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है देपालपुरा, जो कि जावत तहसील के अंतर्गत आता है। उसका आधा भाग मनासा तहसील में और आधा जो है जावत तहसील के अंतर्गत आता है। तो जो जावत तहसील के अंतर्गत जो देपालपुरा है, उसी के अंदर जो है एक सांप आ गया है। तो भाई साहब ने मुझे कॉल किया और एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी और उसके पश्चात तत्पश्चात तुरंत मुझे जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए तत्पर हूँ। और अभी हम चलेंगे सीधा गांव देपालपुरा और वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप पुराने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए मेरे साथ सीधा गाँव देपालपुरा सांप को रेस्क्यू करने के लिए। तो साथियों, पहुंच चुके हैं हम गांव देपालपुरा में। जैसे कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं इस मकान के पीछे का नज़ारा, और इसी के अंदर जो है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए साथियों, अब इसे जो है हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, आज हम आए हैं हमारी मनासा नगरी से दूर जावत तहसील में, और जहाँ पर ये जो है सांप देखा गया है। तो हम भाई साहब से चर्चा करेंगे कि ये क्या नाम है इनका, तो क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, ये कब की घटना है? ये करीबन सुबह 12 बजे से। सुबह 12 बजे की घटना है। तो दिखाई नहीं दिया है, चढ़ा जिसकी तो पहले से है वो। अच्छा, किसी को काटा तो नहीं? नहीं, सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और चलिए मेरे साथ सीधा सांप को रेस्क्यू करते हैं और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो साथियों, इन गांव वालों ने पहले से ही ये जो सीढ़ी है यहाँ पर अवेलेबल कर दी थी, और जैसे ही मेरी सूचना मिली इन्हें तुरंत इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं तुरंत यहाँ आ चुका हूँ। और अब फाइनली इसे बचाने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त ये जो सांप है बिल्कुल कुछ खा करके इस मकान के अंदर चला गया है। अब आप लोग देख सकते हो ये पीछे की साइड में, और ये पता नहीं यहाँ कैसे आया, कुछ कह नहीं सकते। और ये है जो किसी पक्षी को खा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी लोग एकत्रित हुए इस सांप को बचाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो सांप ने कुछ खाया है, और ये जो है चिड़िया है इन्हीं को जो है आज इसने काट लिया है।
दोस्तों अभी की कंडीशन में आप लोग देख सकते हो इसने जो है चिड़िया के बच्चों को जो है अपना शिकार बनाया है, और किसी का घर भी उजड़ा है और कोई भूखा है। चलिए मेरे साथ। दोस्तों किसी पक्षी का घोंसला था और उन्हीं को जो है इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा में आकर के अपना काम सुरक्षित कर लिया है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसने जो है कुछ खाया पिया हुआ है, और इसे अक्सर लोकल कहा जाए तो ये नागिन है। और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा एक बार बाइट करने के बाद आपकी एक घंटे में निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी, तो इससे जो है आप बचकर रहिए। ये देख सकते हैं आप लोग बहुत ही खतरनाक है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है, खतरा हो सकता है। और ये देख सकते हो आप लोग, और इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम रहता है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है एक नागिन जो कि इसके बाइट करने के तुरंत पश्चात आपकी एक घंटे के भीतर मौत हो जाएगी। अगर आपको ये सांप अगर काट लेता है तो आपको एक घंटे के भीतर तुरंत जो जिला अस्पताल है आपका वहीं पर जाना उचित है, नहीं तो आपकी जान बड़ी ही आसानी से गंवा दोगे। तो आज जो आया है सांप, दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं आप लोग, मैंने काफ़ी प्रयास किया इसे कि ये जो खाया पिया है उसे बाहर निकाल दे, लेकिन इसने जो है चिड़िया को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लिया था और भोजन बना लिया था, और ये इसकी पाचन क्रिया तक पहुंच चुका था। तो साथियों अब समय है इसे पैक करने का, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और इसे आज हम पैक करते हैं और ले चलते हैं सीधा इसे इसकी प्रति में रिलीज करने के लिए। तो चलिए साथियों मेरे साथ सीधा। आज इस नागिन को जो है हमने गांव देपालपुरा से रेस्क्यू किया है और बहुत ही जल्द हम इसको रिलीज करने वाले हैं। और जीवन में वीडियो देखकर कॉपी न कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। चलिए दोस्तों फटाफट के अंदाज में इसे रिलीज करने के लिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली आज इस सांप को जो है हमने रेस्क्यू किया है गांव देपालपुरा से, और देपालपुरा के जो गांव के लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मतलब प्यारे हैं। उन्होंने जो है इस सांप को पकड़ने के लिए मेरा काफ़ी सहयोग किया, और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन दी और वैसे ही उन्हें पता चला कि वो भाई आ रहा है प्रकाश, तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएँ उन्होंने कर दी थी। जो मकान के ऊपर जो कोना है उसी के अंदर जो है दोस्तों बारिश के कारण एक पत्थर जो है उनकी दीवार का निकल चुका था, और उसी के अंदर जो है एक घोंसला बना हुआ था जहाँ पे कुछ चिड़ियाँ थी, तो उन्हीं को खाने के प्रयास में सांप जो है सीधा वहाँ पहुँच गया और जो एक चिड़िया थी उन्हीं को जो है खा गया है। तो उस माँ को भी काफ़ी दर्द हुआ होगा, और आज हमने जो है इसे सुरक्षित बचा लिया है और इसे हम लेकर के आए हैं रिलीज़ करने के लिए। चलिए दोस्तों बिना विलंब किए इसे रिलीज करते हैं, और वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। साथियों इसे अगर देखा जाए तो गांव की भाषा में इसे नागिन कहा जाता है, और ये जो है काफी पलटू सांप भी इसे कहते हैं, कहीं ना कहीं नाग कहते हैं, और इसे जो है वास्तविक रूप में कहा जाए तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसको जो है सीधा बाहर की तरफ निकालते हैं हम लोग। ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि काफी खतरनाक, और अभी ये जो है काफी एग्रेसिव है, काफी गुस्से में है, और ये जो है मुझे बाइट करने का प्रयास कर रहा है। साथियों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि यार जो सांप जो है बीन की धुन पर नाचता है, तो ऐसा वास्तविक में कुछ नहीं है। देखिए आप लोग जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, इसे तुरंत अभी खतरा महसूस हो रहा है, इसी वजह से ये देखिए अब इस जिस तरफ मैं इस ढक्कन को मूवमेंट करूँगा उसी तरफ ये सांप जो है आएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये
और जो बीन बजाने वाला है एक मदारी का खेल उसका पालन पोषण करता है, तो वो क्या करता है कि बीन बजाता है इधर उधर, तो सांप जो है इधर उधर मूवमेंट करता है और वहीं से लोग समझ जाते हैं कि यह सांप जो है बीन की धुन पर नाच रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी गुस्से में है सांप। और इसने जो है अभी जो है वो चिड़िया का जो बच्चा है वो खा रखा है और काफ़ी गुस्से में है दोस्तों। और साथियों एक बात बता दूं आपको कि जीवन में वीडियो देखकर कभी कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। और इसमें वेनम की बात करें तो इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम रहता है जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होता है और उससे आप कभी बच नहीं सकते। अगर आपके काटने के तुरंत पश्चात एक घंटे के भीतर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो निश्चित ही आपकी मृत्यु हो जाएगी बड़ी आसानी से। तो झाड़ फूँक के चक्कर में न रहें हमेशा, और सांप को बचाने का हमेशा प्रयास करें और बाइट करने के तुरंत पश्चात निकल जाएं सीधा जिला अस्पताल और अपना इलाज जरूर करवाएं साथियों। और इसके काटने के लक्षण मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही ये तुरंत आपको बाइट करेगा और बाइट करने के तुरंत पश्चात जो जगह है वो काली पड़ जाएगी और आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे और चक्कर आने के तत्पश्चात आपको उल्टियां भी होने लगेंगी। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपको सांप ने बाइट किया है। और इसकी काटने की गति को अगर देखा जाए तो यह लगभग 25 सेकंड तक इंसान को बाइट करता है तो वहीं पकड़ कर रखता है ताकि इसका सारा वेनम इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए। और रसल वाइपर की हम बात करें और दूसरे जो सांप हैं उनकी बात करें तो वो 3 से 4 सेकंड में ही काट कर तुरंत अपनी जगह ले लेते हैं। तो यह सांप जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है, भारतीय नाग, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो हम आज रेस्क्यू करके लाए हैं और वहाँ के लोग जो थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, आपने देखा होगा, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। और ऐसे ही सांप को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, हमेशा बचाने के लिए। और हमारा काम है इंसानों को सांप से बचाना और सांप को इंसानों से बचाना। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो फाइनली रिलीज़ करते हैं हम लोग, देख सकते हो आप लोग अब सांप को हमने रिलीज़ कर दिया है, ये पर्यावरण में सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और इसी प्रकार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जीव को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।